इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक अमर बावरी जी। अमर जी, जेपीएससी का मामला फिर से एक बार सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट में वो अभ्यर्थी गए हैं जिनकी नियुक्ति अधर में पड़ी हुई है, जो ज्वाइन करके जिनके रिजल्ट को रद्द किया गया है। ऐसे में लगता है कि राज्य में जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड जेपीएससी से लगातार जो अभी तक चल रहा है, ये हमेशा देखा जा रहा है कि भाई जेपीएससी के अंदर जो भी परीक्षा लिखते हैं उनको ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि झारखंड में अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को क्रैक करना है तो आपको कोर्ट तक जाना होगा, कोर्ट से ऑर्डर आएगा तभी, ऐसा एक पूरा इतिहास बन गया है। और अभी जो छठी जेपीएससी का मामला है, ये भी यहाँ के हाईकोर्ट ने उसमें अल्टर जजमेंट दिया है, जो अपने पदाधिकारी जो लोग नियुक्त हो गए थे उनके खिलाफ, और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आज उनका सुनवाई भी है जैसे आप बता रहे हैं। तो जो भी उनके गुण दोष होंगे उससे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे एक ज़रूर कहना है कि सिर्फ उन पर ही कार्रवाई नहीं हो, जो तो भाई क्या है, उन्होंने तो बाकायदा प्रोसेस को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम लिख करके जो जेपीएससी ने जो रिजल्ट निकाला उसके हिसाब से उसने नियुक्ति किया जाके। लेकिन जो जेपीएससी जिसके कारण से गड़बड़ियाँ हो रही है, चाहे उसका चेयरमैन हो, चाहे उसके जो भी पदाधिकारी हों, जो इनके लिए अकाउंटेबिलिटी जिनके ऊपर थी, जिनको जवाबदेही लेनी थी, उन पर जवाबदेही तय की जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ताकि ये जेपीएससी के अंदर जो बहुत ही हल्के ढंग से लोग इन परीक्षाओं को कंडक्ट कर रहे हैं और कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं, और फिर इस तरह से लोगों के जीवन के अंदर एक मैं कह सकता हूँ कि एक वाहपोह की स्थिति बनी रह रही है, उनका एक तरह से पूरा जीवन ही खत्म हो जा रहा है, तो ऐसे घोर अन्याय के खिलाफ जेपीएससी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरही की घटना आपको मालूम होगी, रुपेश हत्याकांड जो मामला है उसमें कल उनके परिजन कांग्रेस के विधायक जो उमाशंकर अकेला जी हैं उनके पास जाकर के जो 50,000 सहयोग राशि दिए थे वो भी वापस किए, और रो करके वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें हथियारों को सिर्फ गिरफ्तार करवा दीजिए, लेकिन जो विधायक हैं वो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर विधायक जी ने इस घटना पे लोगों को भिखमंगा तक कहा, जो भिखमंगे की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हैं, अरे भाई कुछ किसी का संतान उनके आंखों के सामने इस तरह से मार दिया जाए तो किसी को भी तकलीफ होगी, जो बड़े कठिनाई से बड़े संघर्ष से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, एक बच्चा पहले नहीं रहा है, वही एक लाल था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और आप उसमें संवेदना देने की जगह, आप उसके दुख में शरीक होने की जगह आप उसका उपहास उड़ाते हैं और अपने सत्ता का मजोसी अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं। राजनीति वो परिवार नहीं कर रहा है, राजनीति विधायक जी कर रहे हैं। जब एक माता या एक पिता न्याय का गुहार करता है तो एक जन नेता के रूप में, एक जन सेवक के रूप में आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी हो बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष भाव से जो पीड़ित है उसको न्याय के साथ उसको मिले, इसके लिए इस प्रशासन को और आपको खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तुष्टिकरण के नाम पर वो जिस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दिए, जिस तरह से उनके उस जो घटना हुई है उस पर उन्होंने जो उपहास उड़ाया उससे दुखित होकर के परिवार ने इस तरह का कदम उठाया है, ये उनको समझना चाहिए। क्या आप लोग सदन में इस मामले को उठाएंगे? देखिए, उनका मामला है, वो आया है, अब उनको खुद से चेतना जगना चाहिए, वो भी एक प्रबुद्ध जनसेवक हैं और कई बार विधायक रहे हैं, इस बार भी प्रतिनिधित्व है, वरिष्ठ भी है, तो उनको खुद से उनके चेतना को जागृत होना चाहिए। मुझे लगता है जो उनके पिता का उस तरह का जो व्यवहार है उनके अंतरात्मा को तो जरूर आत्ममंथन के लिए जरूर आग्रह करेगा या कचोटेगा। 1932 खतियान की मांग को लेकर के धीरे धीरे आग सुलगता जा रहा है, पाकुर, कोडरमा, रांची आज भी फिर सड़क पर उतर रहे हैं लोग, लगता है कि ये विवाद धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर को भी खराब कर सकता है। ये विवाद का पूरा जड़ जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, उन लोगों ने यह आग को सुलगाया था, आज ये आग भड़की है तो उनको भी समाप्त करना उन्हीं का काम है। 1932 उन्होंने कहा था, हम लोग तो कह रहे हैं करिए, काहे नहीं कर रहे हैं आप, 1932 करिए ना, इमीडिएट कीजिए, आज करिए, इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों तृतीय सदस्य दल का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इसका ले कर रहे हैं उसका, जब आपने चुनावी भाषण में लोगों से कहा है कि 1932 हम लागू करेंगे, आपके कैबिनेट के मंत्री जब ये कह रहे हैं कि 1932 से लागू करना है, जब आपके विधायक कह रहे हैं कि भाई 1932 करना, विपक्ष के साथी जब कह रहे हैं कि भाई 1932 से लागू करिए, तो आपको तो भाई कदम बढ़ा करके 1932 से लागू कर देना चाहिए, ये पूरा मामला पटाचेप हो जाएगा, किसके राजनीति के लिए और झारखंड में कहाँ ले जाने के लिए आप कर रहे हैं। 1932 कीजिए, आपने कहा है, आप उसी बात को लेकर के अपने पूरे राजनीतिक जो विरासत को खड़ा किया है उसकी आधारशिला ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो आधारशिला है 1932 है, और उसी पर इतना बड़ा भव्य इमारत है, आज सत्ता तक उन्होंने यात्रा सफल की है, तो भाई उनको करना चाहिए, किसने मना किया है, किसने रोका है, हम लोगों ने तो बोला है भाई कीजिए आप।
ये थे अमर बहुरी जी, जो साफ तौर पर कहे कि ये जेएमएम की और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार की उपज है। 1932 की जो ये आग है, जो विवाद है, वो इसकी इनकी उपज है। ये लागू करें, हम सभी तैयार हैं इसके लिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।